तो फ्रेंड्स, आज के एनिमल सीरीज हम चालू करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम जो भूखे पशु हैं उनको भोजन व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी गाड़ी है जो कि सब्जी मंडी से रोज़ भर के आती है, तो लेकिन किसी कारण मैं रोज़ नहीं आ पाता हूँ। फिर भी आपको ये एनिमल सीरीज में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आप ऐसे वीडियो अगर पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी विभिन्न प्रकार की वीडियोज आपको इस ग्रुप में, इस यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय गायों की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, और गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत अधिक है, तो सभी जगह बड़ी परेशानियां हैं गाय के भोजन के लिए। और थोड़ा सा बचके भी डालना पड़ता है इनसे। तो हमारा काम यही होता है कि हम ढूंढ ढूंढ के जहाँ पर हमें गाय दिख जाती हैं तो उनको भोजन सामग्री उपलब्ध करा दें थोड़ी सी, क्योंकि दूर दूर तक घास नहीं है। गर्मी का इतना प्रकोप है यहाँ पर कि 47 के करीब टेम्परेचर है। है तो इस प्रकार हमें जगह जगह की पता रहता है कि कहाँ पर हमें गाय मिलने वाली हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी गाड़ी को लगा देते हैं तो गाय वहाँ मिलती आती हैं। गर्मी इतनी अधिक है कि दूर दूर तक कोई घास पत्ती नहीं है, इनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो वैसे ये सारी व्यवस्थाएँ सर्दियों में भी सुचारू रूप से चलती रहती हैं, फिर गर्मी में थोड़ा सा हमें क्वांटिटी बढ़ानी होती है क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा भूखी रहती हैं। इसी प्रकार ये सब कार्य आप लोगों के सहयोग से चल रहा है और बदस्तूर चलता रहेगा, ऐसा हमारा मानना है और सोचना है। ही जाता है और 2 घंटे तक इस कार्य को करने के बाद में फिर हम फ्री हो जाते हैं, फिर बाकी की और कार्य देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, गाय कितनी भूखी प्यासी है, कहाँ से दौड़ती हुई आ रही है। गाड़ी को देखा नहीं कि इन्होंने अपनी दौड़ लगाना शुरू किया, और ये गाड़ी को देख के ही पहचान जाती है कि खाने के लिए कुछ आ चुका है। आप देखेंगे दूर दूर तक आपको घास फूस पशु फूल पत्ती किसी चीज़ का नाम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक कुछ खाने पीने का नाम और निशान नहीं है। पूरी चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कटीली झाड़ियाँ हैं, और इस समय लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं, और टेम्परेचर मैं मानता हूँ कि 42-43 के करीब पहुँच चुका होगा। दोपहर आते आते टेम्परेचर लगभग 47-48 के करीब हो जाता है। तो इस समय पर इन बेजुबान जानवरों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ये सब सहयोग के ही द्वारा हो सकता है। और आप सब लोगों का जो प्रेरणा है वो मेरे साथ में इतनी है, और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ में इतना है कि ये सारे कार्य हम कर रहे हैं, और इसका श्रेय सब आप लोगों को ही जाता है। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो बस मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे को मोटिवेट करें, आपके मनोबल से, आपकी प्रेरणा से ही हम सब कुछ कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। तो बस ये एनिमल जो सीरीज है ये लंबी चलने वाली है, तो आप इसको समय समय पर देखते रहें, और निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको देख सकें। और आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर पास में ही गौशाला है, तो वहाँ पर भी हमको सब्जियाँ दे देंगे, तो वहाँ पर भी गाय के काम में आ जाती हैं। अब थोड़ी सी सब्जी हमारे पास में लगभग 2 क्विंटल के करीब बची हुई है, ये सारी हम खत्म करके फिर हम घर चले जाएंगे।